हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक सिंह और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन में। गाइस, इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा जो हमारा वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट होती है उसको फिट करने के लिए पहले उसके पॉइंट बनाए जाते हैं, जो कि जब हम इंटरनल करते हैं, जो दीवार की फिटिंग करते हैं, तब हमें उसके वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट के फिट करने के पॉइंट बनाए जाते हैं। वो किस तरीके से, कितना नाप होता है उनका, कितना साइज़ होता है, जो पाइप हमारा टॉयलेट का आउट होता है वो कितने साइज होता है, और जो फ्लश वॉल लगता है या अंडरग्राउंड कंसील सिस्टम लगती है वो कितना साइज होता है, उनका आपसी गैप कितना होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताऊँगा जो कि वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट, वॉल माउंट जो कि वॉल में हैंग की जाती है, उस टॉयलेट सीट को किस तरीके से उसका पॉइंट बनाया जाता है, मैं पॉइंट बना के दिखाऊंगा। सो जो भाई चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आपके सामने हमारी जैगुआर कंपनी की वॉल माउंट सीट है, वॉल हैंगिंग सीट। ये आपके सामने मैंने उसका सीट कवर निकाला है जैगवार कंपनी का, और ये देखिए, ये इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे अभी टॉयलेट सीट के नाप देखना है, पीछे का नाप, जो गाइस हर टॉयलेट सीट का सेम ही होता है। बस आपके सामने मैं वीडियो के जो आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए जो चाहता हूँ, ये देखिए, ये इसमें गाइस एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वॉल एंड टॉयलेट सीट है इसमें जेट का पॉइंट पहले से ही लगा आता है, आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ पहले से ही रेडी है। और ये इसका कनेक्शन पाइप लगा हुआ निकला है, और इसके साथ एक एल बैंड भी मिलता है जो नीचे की उस जगह पे, वो आपको नीचे होल दिखाई दे रहा है टॉयलेट सीट के, उस जगह से एल बैंड लग जाता है। ये यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे टाइट होता है ये कनेक्शन पाइप, ये देखिए, क्योंकि टफलन टेप से लगाया गया था। तो जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तब इसके अंदर फिर से हमें टफलन टेप वगैरह पूरी सेफ्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्लश जो हमारा फ्लश वाल का पॉइंट था उसी जगह से ये पॉइंट निकाला गया है, आप देख सकते हैं उसी जगह से बीच में से आपको दिखता होगा। अब गाइस मैं इसका नाप बताता हूँ, पहले इसका नाप क्या करेंगे, जो इसका नाप है फ्लोर से हम कितना लगेंगे। गाइस मैंने आपको ये आप देख सकते हैं, पहले जो नीचे के हिस्से से, ये आपको टॉयलेट सीट के नीचे से हिस्से से इसको 10 इंच सेंटर टॉयलेट सीट को रखा जाता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सेंटर टू सेंटर 5 इंच है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे 5 इंच सेंटर आ रहा है, जो कि फ्लश वाल जो वॉल का पॉइंट होता है और टॉयलेट सीट का पॉइंट होता है, यहाँ पे रबर रिंग लगाया जाता है। सो गाइस ये देखिए, आपके सामने मैं नाप ले रहा हूँ, जो कि नीचे के हिस्से से 7 इंच सेंटर आ रहा है, 7 इंच, ये देखिए आपको मैंने दिखाया, अभी मैं उल्टा करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये 7 इंच सेंटर आ रहा है जो कि टॉयलेट का पॉइंट है, और फ्लोर से 12.5 इंच सेंटर आ रहा है हमारा फ्लश वॉल का पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, और हमारी पूरी सीट है 16 इंच। तो गाइस जो बीच का डिस्टेंस है ये सभी टॉयलेट का सेम होता है, जो कि सभी टॉयलेट का सेम होता है 5.5 इंच। अब गाइस इसको हम इसका पॉइंट किस तरीके से देंगे फ्लोर में, अब मैं वो दिखाता हूँ आपको। सो गाइस अब यहाँ हमारे इस जगह पे हम उस टॉयलेट सीट के पॉइंट बनाऊंगा, किस तरीके से बनाऊंगा आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें, क्योंकि आपको अगर आप पॉइंट बनाते हैं तो उसकी एक एक मिनती का आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से उसकी कौन से फ्लश वाल का पॉइंट जो कितनी हाइट पे होना चाहिए, और टॉयलेट का आउटलेट जो पॉइंट है वो कितनी हाइट पे होना चाहिए। अब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जो पहले गाइस क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे फ्लोर का लेवल निकाल लेना है, जहाँ तक हमारा फाइनल फ्लोर होगा टाइल्स लगने के बाद का। तो गाइस ये एक जो मिस्त्री होता है उनसे भी पूछ लिया जाता है, और कुछ हमें खुद को भी अंदाज़ा लगा लिया जाता है, क्योंकि ये सारा काम ड्राइंग के हिसाब से होता है, और फ्लोर तक भी ड्राइंग के हिसाब से डाले जाते हैं, भी कितनी हाइट पे कितना कितना मोटा फ्लोर होना चाहिए, फ्लोर में कितनी मतलब कितनी मोटाई होनी चाहिए, वो सारा ड्राइंग में दिया जाता है।
सो गाइस ये देखिए, मैंने ये फ्लोर की जो एक ईंट दिखाई दे रही है आपको नीचे रखी हुई, इस ईंट से आधा इंच हमारा टाइल लगने के बाद फ्लोर आएगा। तो मैंने उसी हिसाब से अपने पॉइंट को नाप दिया है, मतलब कि इंची टेप से मैं उसका मेजरमेंट ले रहा हूँ कि फ्लोर से हम अपने पाइप का हिसाब किताब लग सकता है या नहीं। हमारा पीछे जो पाइप का टुकड़ा पहले से ही निकाला गया था, उसको हमें क्या सॉकेट लगा के ऊंचा करना पड़ सकता है या उसको काट के डाउन करना पड़ता है। तो गाइस समय हमने मेजरमेंट किया था, तो ये जो पॉइंट है बिल्कुल फ्लोर के जिस जगह पे हमारा वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट का पॉइंट आना चाहिए उसी जगह पे है। ये मैंने नाप वगैरह कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, जो कि नीचे से हमने 3 इंची का पाइप ऊपर को खड़ा किया है और ऊपर हमने 4x3 का एल्बो लगा के हमने टॉयलेट सीट का पॉइंट बनाया है। ये बना रहे हैं, अभी बनाया नहीं, बना रहे हैं। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ हमारा टुकड़ा कितना चढ़ा हुआ है। ये हमारा टुकड़ा फुल चढ़ा हुआ है और हमारा पॉइंट जो कि बिल्कुल पूरा परफेक्ट आया हुआ है, जो कि फ्लोर से 10 इंच सेंटर होना चाहिए। तो गाइस हमारा जो एल्बो तो पूरा परफेक्ट आ जाएगा, उसके पहले हमें उस एल्बो के अंदर पाइप का टुकड़ा लगाना पड़ेगा, जो कि मैं पाइप का टुकड़ा काट रहा हूँ, 4 इंची पाइप का 110 mm का टुकड़ा काट रहा हूँ। ये मैंने टुकड़ा काट लिया और इसको अब सॉलिड लगा करके, उस एल्बो में सॉलिड लगा करके अच्छे तरीके से इसको फिक्स करूँगा। ये मैं गाइस आपको अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, जो कि अगर आप कोई भी भाई पॉइंट बनाता है वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट के, तो आपको दिक्कत ना हो, अच्छे तरीके से आप पॉइंट बना सकें। आप देख सकते हैं ये 4 इंची एल्बो, जो 3x4 का एल्बो है, इसके अंदर मैंने सॉल्वेंट लगा लिया है और मैं पाइप के टुकड़े के ऊपर सॉल्वेंट लगा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। सॉल्वेंट लगाने के बाद हम 4 इंची पाइप के टुकड़े को उस एल्बो के अंदर लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं एक एक स्टेप आपको अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना आए पॉइंट बनाने में। ये देखिए, ये आपको अच्छे समझ आ रही है। अब गाइस क्या है, इस एल्बो के अंदर मैं सॉल्वेंट लगा रहा हूँ और पाइप के टुकड़े के ऊपर सॉल्वेंट लगा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, अब ये आपको एल्बो भी अच्छे से दिखाई दे रहा है कि 3x4 का ये एल्बो है। और ये देखिए हमारा पॉइंट जो कि यहाँ पे लग चुका है, जो कि फ्लोर से 10 इंच सेंटर में है। तो मैंने आपको पाइप का टुकड़ा भी मैंने टॉयलेट सीट के नाप दिखाया था कि जो नीचे का हिस्सा है वो 7 इंच सेंटर आ रहा है ना, तो उसी हिसाब से 7 इंच सेंटर वो होने के बाद हमारे टॉयलेट सीट फ्लोर से सिर्फ 4 इंच हाइट पे होगी, 4 से आधा इंच डाउन भी हो सकती, 4 से 5 भी हो सकती है, 5 तो हो नहीं सकती, हाँ 4 से 3 इंच ज़रूर हो सकती है। तो क्या कि कभी फ्लोर का मेजरमेंट सही नहीं रहता, तो फिर जो फ्लोर बनाने वाला टाइल्स वगैरह का कभी कभी ऊंचा आ जाता है, नीचे आ जाता है, इस चीज़ की दिक्कत आ जाती है। तो 4 इंच का मैंने बीच में डिस्टेंस रखा है फ्लोर का और टॉयलेट सीट का। अगर हम 10 इंच सेंटर पे करते हैं, तो अगर हम 11 कर देते हैं, तो हमारा फ्लोर और टॉयलेट सीट का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 5 इंच सेंटर होगा। अगर हम 10 करते तो 4 इंच सेंटर होगा जो डिस्टेंस होगा। मैंने आपको टॉयलेट सीट का नीचे से हाइट दिखाई थी 7 इंच थी, तो 7 और 4 10 इंच हो गया। तो 10 इंच पे हमने ये टॉयलेट सीट का पॉइंट दे दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये फ्लश वाल का पॉइंट दे रहे हैं, जो कि मैंने पाइप का टुकड़ा काट रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये 1.25 इंची का पॉइंट है जो लगाएंगे हम फ्लश वाल के लिए, और मैं पहले मेजरमेंट करूँगा 1.25 इंची का एल्बो लेकर के, और उसका टॉयलेट सीट से टॉयलेट सीट का जो पॉइंट दे रखा है मैंने 4 इंची का, उसके ऊपर की सतह से हमारा 1.25 इंची का पाइप कितना आता है, कितना नाप आता है उसका, कितनी मिनती होनी चाहिए उसकी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं नाप ले रहा हूँ, मैं आपको साइड से अभी दिखाता हूँ। ये गाइस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3 इंच सेंटर, जो कि 4 इंची पाइप के ऊपर के हिस्से से 3 इंच सेंटर हमारा 1.25 इंची का पाइप आएगा, जो कि फ्लश वाल का। ये देख सकते हैं, मैं उसके नाप के हिसाब से, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से मैं उस टुकड़े को काट रहा हूँ। ये मैं टुकड़ा काट रहा हूँ गाइस, ये हम पहले जब इंटरनल करते हैं इसकी,
तो पाइप का टुकड़ा थोड़ा फालतू छोड़ दिया जाता है या थोड़ा छोटा भी रह जाता है, तो इस चीज़ को बाद में हम काट लेते हैं या सॉकेट लगा के बड़ा भी कर लेते हैं पाइप को। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं पाइप का टुकड़ा काट रहा हूँ, आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो 1.25 इंची फ्लश वाल का पॉइंट है ये मैंने काट लिया। अब इसके बाद हम इसमें एल्बो को जोड़ेंगे, पहले सूखा लगा करके चेक करूंगा, उसके बाद मैं सोलवेंट लगा के इसको पक्का कर दूंगा। अब ये देखिए, मैं फिर से आपको नाप दिखाता हूँ, ये बिल्कुल 3 इंच ही होना चाहिए गाइस। अगर थोड़ा सा भी एमएम के हिसाब से ऊंचा नीचा हो गया तो दिक्कत आ जाती है। ये देखिए, ये मैं सोलवेंट लगा रहा हूँ अपने 1.25 इंची पाइप को, मैं देखिए लगा रहा हूँ मैं सोलवेंट, और इसको मैं अच्छे तरीके से जॉइंट कर दूँगा। ये देखिए, आप भी गाइस इसी तरीके से बनाएं, क्योंकि ये जल्दबाजी वाला काम नहीं होता है, क्योंकि इसका जो ऊपर का सिस्टम होता है बाद में लगाया जाता है। तो अगर हम चाहें एक जल्दबाजी में लगाएं, अगर एमएम के हिसाब से ऊंचा नीचा हो जाए तो दिक्कत आ जाती है। तो ये टुकड़ा मैं सूखा लगा करके चेक कर रहा हूँ, और इसको भी हम सॉल्वेंट लगा करके पक्का कर दें, क्योंकि ये जो हमने जोड़ लगाए हैं, जॉइंट लगाए हैं, ये हमारे टाइल्स के अंदर ही रह जाते हैं, तो इसलिए हमें इसको अच्छे तरीके से सॉल्वेंट वगैरह लगा करके जोड़ लगा दिया जाता है। बाद में इसको थोड़ा वो फोड़ी बाद में नहीं की जाती इसकी, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको साइड से इसका नाप दिखाता हूँ कितना होना चाहिए। ये देखिए गाइस, हमने एंड कैप लगा लिया ऊपर वाले टुकड़े को, जो 3 इंच सेंटर होना चाहिए, फुल जो इस पाइप के टुकड़े के ऊपर के हिस्से से 3 इंच सेंटर होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पाइप के ऊपर लगाया, और ये देखिए 3 इंच बिल्कुल सेंटर में है, जो कि फ्लश वाल का पॉइंट है। ये आप देख सकते हैं, पूरे अच्छे तरीके से इस पॉइंट पे हमारी टॉयलेट सीट आ जाएगी। और गाइस, इसका सेंटर टू सेंटर नाप होना चाहिए 5 इंच। मैंने 5 पे सेंटर की सेट किया है, और 5 इंच सेंटर इसका पॉइंट है। जब हम गाइस 3 इंच सेंटर करेंगे 4 इंची पाइप के टुकड़े से, तो हमारा इसका सेंटर आएगा 5 इंच सेंटर ही आएगा। आप देख सकते हैं, ये आपके सामने मैंने अच्छे तरीके से ये पॉइंट बना दिए हैं, जो कि पॉइंट हमारे ये बिल्कुल रेडी हैं। और एंड कैप लगा करके हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब मिस्त्री प्लास्टर करता है तो दिक्कत आती है। सो गाइस, आपने देखा कि मैंने आपको वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट के पॉइंट बना करके दिखाए, किस तरीके से आपको मैंने साइज भी बताया, जो कि दोनों पाइप का डिफरेंस कितना है और कितना नहीं, कितना रखा जाता है वो मैंने आपको दिखाया अभी, जो कि 5 इंच सेंटर होना चाहिए, और आपने अच्छे तरीके से देखा। सो गाइस, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट ज़रूर करना, और इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं, इसकी जो वॉल हैंगिंग टॉयलेट सीट फिट करते हैं उसकी मैं वीडियो लेके आऊँगा, आपको आपके सामने दिखाऊँगा किस तरीके से हमने फ़िट किया। सो जो भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, और जो किसी भाई का क्वेश्चन हो प्लम्बर के काम का, तो मेरे को कमेंट कर सकता है, और इंस्टाग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकता है, जो कि उनके प्रॉब्लम का सलूशन जल्दी से निकल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बंद कर दे।